सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। गुड न्यूज, गुड न्यूज, गुड न्यूज। वाधायूं, वाधायूं, वाधायूं। रिश्तो.com जे न्यू ब्रांच जूं सभिनी के वाधायूं। रिश्तो.com हाणे गोल मैदान उल्हासनगर बे में भी। रिश्तो.com सिंधियुन जो सिंधियुन सां ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्हास लाइन बुलेटिन। राहुल गांधी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ करो, हम तुम्हारे साथ हैं। गांधी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हम जोर जुल्म की चक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हम जोर जुल्म की चक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। अमेरिका में कांग्रेस नेता व लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के दिए गए बयान को लेकर बीजेपी लगातार राहुल गांधी और कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। तो वहीं शुक्रवार को उल्लासनगर शहर में भी बीजेपी शहर अध्यक्ष प्रदीप रामचंदानी के नेतृत्व में पार्टी के कई कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए जमकर घोषणाबाजी की थी, जिसे देखते हुए अब उल्लासनगर कांग्रेस अध्यक्ष रोहित सालवे के साथ पार्टी के कई पदाधिकारी अपने नेता राहुल गांधी के समर्थन में कैंप 2 के नेहरू चौक पर बीजेपी के खिलाफ आंदोलन किया। आइए जानते हैं कांग्रेस शहर अध्यक्ष रोहित सालवे का क्या है कहना। हाँ, मैंने देखा आज ही कुछ भारतीय जनता पार्टी उल्लासनगर के अध्यक्ष के नेतृत्व में उन्होंने आंदोलन किया, तो वो उनका एक झूठा नरेटिव पूरे देश में जो उन लोग फैला रहे कि पहली बात तो राहुल गांधी जी बाहर जाके जिस प्रकार से अलग अलग समुदाय, अलग अलग कॉलेज के स्टूडेंट्स रहेंगे, पत्रकार रहेंगे, वहाँ के कांग्रेस के मतलब वहाँ के जो सदस्य है हाउस के, उनको उसके चर्चा कर रहे हैं, तो ये उनको शायद मतलब ये बात उनको पच नहीं रही है, क्योंकि उनके नेता आज तक कभी कोई ओपन प्लेटफॉर्म पे जाके उन्होंने कभी आज तक बात की नहीं है। तो यही उनका दर्द है, और ये दर्द को छुपाने के लिए क्या करना है, तो उसका कुछ तो झूठा नरेटिव करके राहुल गांधी जी वहां जाके बदनामी कर रहे हैं देश की। फिर दो और मुद्दे उन्होंने जो लिए है कि आरक्षण खत्म कर देंगे और सिखों के बारे में अपमान किया है, तो ये सारा जो है ये झूठा नरेटिव है। ये सिर्फ इसी कारण है क्योंकि जो उनका नेता नहीं कर पा रहा है, वो हमारा नेता है, हमारे लोकसभा के विरोधी पक्ष नेता है, वो बहुत मतलब खंभीर तरीके से ये सारे मुद्दों को पब्लिक में जाके ओपन प्लेटफॉर्म में, अभी हमारे पंतप्रधान ने तो पिछले 10 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं किया, तो इसलिए उनको तकलीफ है। वो तकलीफ को कहा तो लोगों का मन डाइवर्ट करने के लिए सारे मुद्दे उन लोग ले रहे हैं। इस इंटरव्यू में उन्होंने क्या कहा था? हाँ, इंटरव्यू में देखिए, जैसा आरक्षण की बात है, पहली बात क्या है कि एक तो ये एंटायर इकोनॉमिक्स के सारे स्टूडेंट्स है, मेरे को लगता है भारतीय जनता पार्टी के एंटायर पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स, अभी इनको शायद इंग्लिश का क्या मालूम समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर वो, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा, आप एक घंटे का पूरा इंटरव्यू देखिए, ये जो आपकी सोशल मीडिया ट्रोलिंग टीम है वो जो वीडियो कट करके जितना दिखाते वो नहीं देखिए, पूरा एक घंटे का इंटरव्यू देखिए, तो उन्होंने विस्तार में ये सारी बातें आरक्षण के बारे में डिटेल में बताइए। और एक मुद्दा जो राहुल गांधी जी पिछले 5 साल से 3 साल से कंटिन्यू उठा रहे, वो है जातिगत जनगणना की, तो उन्होंने ये पूरे डिटेल में बताया जबकि जातिगत जनगणना क्यों जरूरी है, क्योंकि जब तक जिसकी कितनी हिस्सेदारी है, भागीदारी होगी, उसके हिसाब से उसकी हिस्सेदारी होगी, तो जब हमको मालूम ही नहीं है कि कौन से समाज की ओबीसी कितने परसेंटेज है, एससी कितने, एसटी कितने, 2021 में इनको जनरल लोकल सेंसस करनी थी वो भी इन्होंने की नहीं, तो जातिगत जनगणना पे बात ही नहीं है। अच्छा, अगर ये बोल रहे आरक्षण को हम क्या क्या, अभी तो बहुत बड़ा बड़ा डायलॉग मारा, अभी ये इतिहास पूरे दुनिया को मालूम है कि आरएसएस अपना आरक्षण के विरुद्ध में कौन है, आरएसएस रहेगी, उनके सब संगठन रहेंगे, इतने सालों से आरक्षण का विरोध किसने किया, आरक्षण हटाने की बात कौन करता है, तो ये तो प्रूफ ये लोगों को बताने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन
अगर वो सही में आरक्षण के समर्थन में इतना जैसा बोल रहे तो जातिगत जनगणना पे बात करे वो कि हाँ हम तैयार है जातिगत जनगणना। जातिगत जनगणना पे एक भी स्टेटमेंट देने को हमारे पंतप्रधान तैयार नहीं है। ये लोग कुछ भी झूठा बात बोल रहे हैं। राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कहा है, उन्होंने तो इससे आगे बढ़कर कहा है कि हमको 50% का जो आरक्षण लिमिट संविधान में है और कोर्ट ने जो उसमें डायरेक्शन दिया है उसको भी और आगे लेके जाना है। अगर जातिगत जनगणना में 90% लोग पीछे रह रहे तो 90% लोगों को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए ये कदम भी वो उठाने को तैयार है। और जब प्रेस वालों ने जब उनके जो इंटरव्यू ले रहे थे उन्होंने जब बोला कि आप अगर तो आरक्षण कब तक चलेगा, तो उन्होंने एकदम सीधी बात कही है, अगर देश में समानता आ जाएगी जो जब तक भारतीय जनता पार्टी वो आ नहीं सकती तो समानता आएगी तो आरक्षण क्यों खत्म। अगर सब सबको समान संधि है, सबको समान नौकरी है, सबको समान हर समाज को अगर प्रतिनिधित्व मिल रहा है। राहुल गांधी जी ने डेटा के साथ बताया है आज 90% ISIPS ऑफिसर्स में 90% कम्युनिटी का भागीदारी नहीं है। मीडिया के मेन हाउसेस में 90% मतलब OBC SC ST माइनॉरिटी सब आ गए उसमें, इनकी भागीदारी नहीं है। तो ये सब जगह पे जब सब चीजें आ जाएगी तो आरक्षण खत्म हो सकता है, ये उनकी भावना है। तो ये तो झूठा नैरेटिव कर रहे हैं क्योंकि एक बड़ा झटका उनको लोकसभा में लग गया है। जब संविधान के खिलाफ में बात करने की जब बात कर रहे थे इन लोग तो देश के लोगों ने उनको उनकी जगह दिखा दी, तो आज वही जो संविधान विरोधी थे आज संविधान के किताब को लेके ऐसा नमस्कार कर रहे। तो ये झूठी बातें हैं। राज सिख समुदाय की बात वो भी बात विस्तार में अगर आप सुनेंगे तो उन्होंने एक जनरल पॉलिटिकल रिलीजियस फ्रीडम की बात की है कि रिलीजियस फ्रीडम में फिर वो क्रिश्चियन हो मुस्लिम हो सिख हो उनको रिलीजियस फ्रीडम क्या है, मतलब आगे जाके कहीं वो तकलीफ में नहीं आएगी, ऐसा एग्जाम्पल देते हुए उन्होंने ये बात कहा। तो ये सारी बातें बोगस है। मैं चाहता हूं कि वो थोड़ा पढ़े, थोड़ा इंग्लिश को समझे, नहीं समझ में आता है तो जिसको इंग्लिश समझ में आता है उसको बाजू में बिठा के उसे ट्रांसलेट करके ले तो शायद उनको समझेगा कि ये क्या कहना चाहते थे राहुल जी। तो आज का आंदोलन आपने जो नेहरू चौक में किया है तो उसका विषय क्या था? देखिए आज का जो आंदोलन है क्योंकि यही अभी कुछ तो नरेटिव बना के वो उनके एक जो नेता है माजी आमदार हरविंदर सिंह मारवा तरविंदर सिंह मारवा उन्होंने बहुत घटिया बात की कि हम लोग जो है इनका राहुल गांधी का हाल वही करेंगे जो उनके दादी का किया था। तो इस प्रकार से जो उन्होंने स्टेटमेंट किया है पहली बात तो इसकी बहुत कड़ी निंदा होनी चाहिए और उन पर गुनाह दाखिल होना चाहिए और उनको पार्टी ने उनके पार्टी ने उनसे निकालना चाहिए, लेकिन वो निकालेंगे नहीं क्योंकि ये उनके पेट में की जो बात है, क्योंकि गोडसे की विचारधारा मानने वाले लोग इसी विचार ऐसे ही बात करेंगे लेकिन वो याद रखेंगे कि गोडसे की विचारधारा से आप किसी को खत्म कर सकते इसको विचार को खत्म नहीं कर सकते। आज तक इस भारत के इतिहास में गांधी जी रहे, इंदिरा गांधी रहे, राजीव गांधी रहे, भले इनको खत्म भी हुई रहेगी लेकिन उनका शहादत भी हुई रहेगी लेकिन विचारधारा जो है गांधी जी की विचारधारा ये चलती रहेगी, गोडसे की विचारधारा नहीं चलेगी। इसके लिए उनका कड़ा विरोध करने के लिए आज ये महाराष्ट्र में नानाभाऊ पटेले जी की अध्यक्षता में ये राज्यव्यापी आंदोलन आज रखा। ब्यूरो रिपोर्ट, महेश रुकड़े, उल्लास लाइन बुलेटिन, उल्लासनगर। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाए और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज सबसे पहले आपके मोबाइल पर।